फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज है 26 जुलाई और गाइस आज है कारगिल डे। तो गाइस मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी कारगिल डे। और गाइस अभी हो रखा है अच्छा मौसम और गाइस सोनम कर रही है अभी ब्रेकफास्ट। मैं तो ब्रेकफास्ट करके आ गया हूँ गाइस और अभी सोनम को थोड़ी देर में तैयार भी करने कारगिल डे ना। तो एक आज इतना मस्त मौसम हो रखा है, नहीं तो अभी धूप आ जाती थी। तो आज अच्छा मौसम हो रखा है और थोड़ी देर में सोनम को तैयार करेंगे, आपको सीधा अंदर मिलूँगा। वीडियो को कितने अच्छे जंगो दोस्तों, सोनम भी रेडी हो गई है, अभी सब वाइट ड्रेस पहनी है। और गाइस अभी मैं इसको ये भी इसके लगाऊंगा, यहाँ पे लगाओ सोनम, लगा दूँ, चल लगा देता हूँ सोनम के, फिर आपको पहले इसको लगा देता हूँ फिर आपको उसके बाद मिलूँगा। सो गाइस सोनम को मैंने रेडी कर दिया है। गाइस अभी सोनम चुन्नी नहीं पहन रही है, सोनम कह रही है मुझे नहीं पहनना और उसने ये लगा दिया मैंने यहाँ पे। और उसको आर्मी वाली मैंने कैप पहना दी, ये देखो, और वाइट ड्रेस ब्लैक शूज। ठीक है चलें स्कूल, अब जाते हैं, आएगी फिर, अब चलते हैं स्कूल। ठीक है बाय बाय। सो गाइस मैंने फाइनली लंच कर लिया है और गाइस अब मैं सोऊंगा, फिर आपको गाइस सीधा शाम को मिलूंगा। सो गाइस मैं फाइनली उठ गया हूँ और गाइस मैंने फेस वॉश भी कर लिया है। और गाइस अभी थोड़ी देर में खेलेंगे तो हम खेलेंगे अभी गाइस थोड़ी देर में। तो गाइस बताना आपको वॉइस कैसी आ रही है। सो गाइस फाइनली आ गया हूँ और गाइस अब बज गए 6:30, तो अब हम खेलेंगे। गाइस यहाँ पे देखो आंसू भी आ गया है। गाइस अब खेलेंगे, फिर अब हमको खेलेंगे बाद मिलेंगे। सो गाइस मैं फाइनली खेल के आ गया हूँ और गाइस मैं नहा धो लिया और गाइस अभी बज गए हैं 8। तो गाइस ये देखो मैं सोनम के लिए ये इतना सामान लाया, उसका स्कूल में कल एक्टिविटी है। तो गाइस हमारी कॉलोनी में 3 शॉप्स हैं, तो गाइस उन 3 शॉप्स में से कभी मैं कुछ ला रहा कभी कुछ ला रहा, तो मतलब एक जगह में एक चीज़ मिल जा रही है, दूसरी वो नहीं मिले तो दूसरी जगह में वो चीज़ मिल जा रही है। ऐसे कैसे करके मैं इसका पूरा सामान लाया आपको दिखाता हूँ। सो गाइस ये इतना सामान है इसका, ये हैं इसके ग्लिटर शीट्स वो दिखा, और ये हैं इसके ग्लिटर शीट, और गाइज ये हैं इसके कलर पेपर्स, और ये है इसके वाटर कलर, ये है इसका ग्लू, और ये है इसके स्केच कलर। और गाइज इसको चाहिए कॉटन बॉल्स चाहिए सोनम को, तो गाइज मैं इसके लिए रुई से बना दूंगा इसके लिए कॉटन बॉल्स। और गाइज मैं अब ये जो माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ, ये इसका नाम क्या है, कितने रुपये का मुझे मिला। सो गाइज अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो गाइज मैं बिना माइक के कर रहा हूँ। और गाइज ये है मेरा माइक, ये पूरा इसकी मतलब जितना है इसकी तार हार ये है गाइज पूरा 2 मीटर का तो होगा गाइज, और ये इसका नाम है डीसी माइक। सो गाइज ये है डीसी माइक, ये आपको मिल जाएगा मार्केट में 100 to 120। और गाइज मैंने मेरे फ्रेंड्स मंगाया था, तो गाइज ये है 100 रुपीज़ का गाइस डीसी माइक है, कह दे रहे डीसी माइक दे दो, तो ये 100 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा बजट में और अच्छा माइक है, मतलब अब देखो मैं माइक इसमें लगाता हूँ और फिर आपको बोलता हूँ, धरती आसमान का फ़र्क दिखेगा गाइस आपको उसमें। तो गाइस मैंने माइक लगा लिया है, अभी कर रहा हूँ माइक से व्लॉगिंग। सो गाइस बताना कि आपको कैसी क्वालिटी आ रही है बिना माइक के और माइक के, आप बताना मैं माइक से व्लॉग बनाऊँ या बिना माइक की, कमेंट में बताना कैसा माइक है। बजट के हिसाब से भी बिल्कुल सही है माइक। हाँ तो गाइज़ अब मैं अपना पूरा मैथ्स का वर्क करता हूँ, फिर आपसे बाद में मिलूँगा। ठीक है तो अभी मैं खाली आपको बता रहे थे कैसा है, बिल्कुल अच्छा खासा माइक है, बिल्कुल तगड़ा। सो यारो पूरा मेरा काम हो गया मैथ्स का और गाइज अब मैं करूँगा डिनर, 9:30 बज गए रात के गाइज, अभी बिना माइक से व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो गाइज अब करते हैं डिनर, वहाँ पर गाइज रिया भी डिनर कर रही है, गाइज अब डिनर करने के बाद आपको मिलूँगा। सो गाइस फाइनली डिनर कर लिया है और गाइस आज के ब्लॉग को यहीं एंड कर दे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करके जाना गाइस, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके आना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।